मैम का नाम सबिहा मेहदी अब्बास है, ये इराक़ के शहर करबला में रहते हैं। 2017 में इनको पता चला कि इन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। वहाँ पर ये अरबील के एक मशहूर हॉस्पिटल में इन्होंने अपने चेकअप कराए, कंफर्म हुआ, तो ये बहुत डर गए थे कैंसर सुन के। इनका एक सेंटेंस मुझे याद है, ये जब कहते थे कि मुझे लगता है कि मैं अपनी मौत की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही हूँ। जब इन्होंने हमें रिपोर्ट भेजी, हमने डॉक्टर शुभम जैन सर को दिखाए, सर ने इनको ऑनलाइन पूरी डिटेल दी कि इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा इंडिया में, सक्सेस रेट क्या है, पूरी जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी प्रोसेस करने के बाद ये सर के पास 2017 में आए। इनका कीमो हुआ, MRM सर्जरी हुई और रेडिएशन हुआ। हर साल ये अपने फॉलोअप के लिए आते थे, इनका पेट स्कैन वगैरह होता रहा है। अभी 2 दिन पहले हॉस्पिटल मणिपाल में इनका पेट स्कैन और दूसरी सब टेस्ट हुए हैं, वो सब अच्छे आए हैं रिपोर्ट्स, उसमें कोई अब कैंसर नहीं है और अब ये बिल्कुल कैंसर फ्री है। और अब इनको किसी फॉलोअप की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ मेडिसिन है वो लेना है, जिसके लिए ये हॉस्पिटल और ख़ासकर डॉक्टर शुभम जैन के बहुत शुक्रगुजार है। Sabiha came to us in 2017 when she was diagnosed with a locally advanced breast cancer. She was having an aggressive disease, so we decided to start her treatment with neoadjuvant chemotherapy. Following chemotherapy, she had a very good response and we were able to perform a mastectomy for her. There were some problems in her mastectomy, and as a result of which we needed to do another surgery to bring some flesh from the back of the chest, and she recovered well. We had radiotherapy for her as well, and now she's completing 5 years of her treatment. I'm very happy for her that she's conquered the disease for this long, and hopefully she's been cured of the disease and she stays disease free. My best wishes are with her as she now heads back to her country.